कोई मुझे मिल जाए जो रीयूज्ड कंटेंट बता दे कि इस पेपर पर रीयूज्ड कंटेंट लिखा हुआ है, ये कोई बता दे कि इस वाली वीडियो में मेरे रीयूज्ड कंटेंट है, मैं अपना वो वीडियो डिलीट कर दूंगा लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दो, क्योंकि मेरा एक साल दो साल की मेहनत है बेकार हो गई है, मैं परेशान हो चुका हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत कर लिया कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि रीयूज्ड कंटेंट हटा दो मेरे चैनल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके चैनल से रीयूज्ड कंटेंट बिल्कुल हटने वाला है। एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबके चैनल पर अगर रीयूज्ड कंटेंट आया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देख लेना, क्योंकि रीयूज्ड कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपको खुद नहीं पता चलता कि किस वीडियो पर है और किस वीडियो पर नहीं है। यहां पर अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से। आप सोच रहे हैं कि मैंने किसी दूसरे का जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो पर मुझे मिले हैं 1 मिलियन व्यूज और उस वीडियो को मैं डिलीट नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे 4000 घंटे कम हो जाएंगे। अब यहां पर आपको एक बात और बताता हूं, 4000 घंटे इंपॉर्टेंट है या रीयूज्ड कंटेंट? आप कहोगे रीयूज्ड कंटेंट हटा दो, 4000 घंटे हम बाद में भी कर लेंगे, बस इतना ही आपका आंसर है। अगर आपके चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो को आपने डिलीट कर दिया है और उसके बाद आपको बता दूं सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो को डिलीट करने के बाद एक वीडियो और बचेगी जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज हो जाएंगे, उस वीडियो में भी रीयूज्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मान लो जिस पर 1 मिलियन व्यूज है किसी एक वीडियो पर, उसके बाद एक दूसरी वीडियो है जिस पर 2 लाख व्यूज है, तो जब 1 मिलियन वाली वीडियो को आपने डिलीट कर दिया तो जिस पर 1 लाख व्यूज थे वो वीडियो हो गई सबसे ज्यादा वॉच वाली वीडियो, सबसे देर तक देखी गई हुई वीडियो। अब उस वीडियो पर किसी दूसरे का अगर कंटेंट है तो ये ध्यान में रख लेना आपका चैनल मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होगा, उस वीडियो को भी डिलीट करनी पड़ेगी। आप चाहे डिलीट कर दो या फिर कर दो प्राइवेट, जैसे ही आप डिलीट या प्राइवेट करोगे आपके चैनल से उसका वॉच टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके सब्सक्राइबर आपके चैनल पर बने रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चल रहा हूं, एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और उन्होंने बताया कि रीयूज्ड कंटेंट आ गया, सर प्लीज हेल्प कर दो, और ऐसा चैनल तो बहुत है यूट्यूब पर और वो तो अपलोड करते हैं, मैं अपलोड कर रहा हूं मेरे पे रीयूज्ड कंटेंट आ रहा है। तो मैं स्क्रीन पर ले चलने से पहले एक बात और आपको बता देता हूं, क्योंकि जो है आपको कोई बताने वाला इंटरनेट पर नहीं है, यूट्यूब पर आपको एक एक चीजें जो मैं बता रहा हूं ना ऐसा कोई बताता नहीं है, लोग रुलाते हैं, लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता है। पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक समझा दूं उसके बाद अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चल रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट बताया किसी दूसरे का कंटेंट ना हो, पॉइंट दूसरा बता दे रहा हूं कि आपने अपने चैनल पर सॉन्ग यूज किया है, डीजे से मिक्सिंग यूज किया है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। पॉइंट तीन बता देता हूं, आपने अपने चैनल पर अगर 1 मिनट की वीडियो आपकी है तो ये मानकर चलो कम से कम 50 सेकेंड आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट हो, 10 सेकेंड की क्लिप आप अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हो, तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। पॉइंट नंबर तीन, अगर आपका चैनल मीम्स या फिर स्टेटस या फिर शायरी की वीडियो बनाते हो तो अब शायरी की वीडियो बनाते हो तो एक टाइम पर आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन स्टेटस की वीडियो बनाते हो या फिर आप सोचते हो मैं क्या बना दूं, किस टाइप का आप काम कर लूं जो कि मेरी मेहनत बेकार ना हो, तो आपको बता दूं कि आपको अपने चैनल से वीडियो को करनी होगी डिलीट जिस वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट आया है। अब आप कह रहे होंगे कि रीयूज्ड कंटेंट मैं किस वीडियो पर फाइंड करूं कि इसी वीडियो को डिलीट करने के बाद रीयूज्ड कंटेंट हट जाएगा? मैं आपको बता दूं यहां पर आपको कोई ये नहीं बता सकता कि किस वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट है, सभी लोग यही कहते हैं और यूट्यूब भी यही कहता है कि जिस वीडियो में आपने किसी दूसरे का यूज किया हुआ वीडियो यूज किया है उसी वीडियो में रीयूज्ड कंटेंट है। रीयूज्ड का मतलब दोबारा से यूज किया गया वीडियो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट अपलोड है, उनका चैनल भी मोनेटाइज है। मैं आपको बता दूं कि उनका चैनल हो सकता है मोनेटाइज ना हो, 1 जुलाई से YouTube का अपडेट आया था जिस पर एड चलने के लिए कि अब वो बिना मोनेटाइजेशन वाले चैनल पर भी एड चलाएगा, तो इसलिए वो एड चल रहा होगा, ये ध्यान में रख लेना। और आपको बता दूं कि अपने चैनल से रीयूज्ड कंटेंट हटाने के लिए अब मैं आपको चलो दिखाता हूं किस टाइप का लोग काम करते हैं, दिमाग ज्यादा लगाते हैं। आओ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर
यहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखकर भेजा था कि भैया आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो यहाँ पर मेरे भाई ने एक कमेंट किया है, और इस भाई ने कमेंट किया कि भैया मुझे अप्लाई करना है, रीयूज्ड कंटेंट आया है, रीअप्लाई करने के डेट आ रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड कर दो। तो मेरा काम यही है कि आपका चैनल अगर मोनेटाइजेशन में जाने वाला है या फिर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है तो आपके चैनल को मोनेटाइज करवाऊँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इस भाई के चैनल पर देखेंगे, पहले मैसेज पर चलते हैं। मैसेज पर चलने के बाद यहाँ पर इस भाई ने लिंक भेजा होगा, लिंक देख लेता हूं। और यहां पर इस भाई ने लिंक भेज दिया है, और ये देखो यहां पर इन्होंने लिखा है ऊपर वाले पे तो ज्यादा है, रीयूज्ड इस पे कम है। भैया हम फैन क्लब खोले हैं अलग से, बहुत लोगों का है इस टाइप का चैनल। अब यहां पर मैं ओपन करता हूं इनके नीचे वाले चैनल को जो इन्होंने बताया, अंकित राणा फिजिकल वाला। और मैं आपको यहां पर स्पष्ट शब्दों में बता दूं मेरे भाई, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि फैन पेज YouTube मोनेटाइज नहीं करता है अगर आप कुछ इम्प्रूव करके अपने चैनल पर नहीं अपलोड करते हो। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि मैंने बार बार बताया है आप लोगों को, बहुत बार बताया है कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करो। ऐसी गलती करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये कंटेंट कहाँ से मोनेटाइज हो जाएगा मेरे भाई, इस टाइप का कंटेंट आपको डालना ही नहीं है। अब आप कहो कि मैं अपने चैनल पर सॉन्ग अपलोड कर देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर सॉन्ग ओपन किया, अब आप कहो मैं इस वाले सॉन्ग को अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, लेकिन इस चैनल पर अपलोड करने के बाद जब इस पर ज़्यादा व्यूज सब्सक्राइबर आ जाए तो मैं इसे ब्लर कर दूँ और फिर इसे फेस को ब्लर कर दूँ या फिर म्यूट कर दूँ, तो मेरे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट हट जाएगा। देखो, इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक नहीं हो जिस पर दिमाग है, दिमाग बहुत लोगों के पास है। तो आप जब म्यूट या ब्लर कर दोगे तो ये ध्यान रखना कि आपके इस वीडियो से क्लेम हट जाएगा, ना कि रीयूज्ड कंटेंट हटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्लेम हट जाएगा, रीयूज्ड कंटेंट बिल्कुल नहीं हटेगा। तो आपको अपना पर्सनल कंटेंट अपलोड करना है। डिस्क्रिप्शन देखा, यहाँ पर लोग दिमाग कैसा लगाते हैं। ये भाई ने फैन पेज बना रखा है, कहता है कि ऐसे चैनल मोनेटाइज होते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं होंगे, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, कोई फायदा ही नहीं है। इस टाइप का कंटेंट बिल्कुल अपलोड मत करो, क्योंकि मैं आपको रात को कितने बज रहे हैं, अभी 12:45 हो रहे हैं, आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूं। तो मूर्ख नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं, आपके लिए मेहनत अगर कर रहा हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, जितने लोग देख रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी दूसरे का कंटेंट डाल रखा है अपने चैनल पर डिलीट कर दो, क्योंकि आपकी मेहनत ही जाने वाली है, उससे आपको एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, चाहे जितनी आप मेहनत कर लो, मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम बिल्कुल ना करो कि आपका चैनल ही मोनेटाइज ना हो। आप अपने चैनल से दूसरों का कंटेंट को करो डिलीट या फिर करो प्राइवेट, उसके बाद 4000 घंटे कंप्लीट करो, थोड़ी सी मेहनत करो, अच्छा अच्छा कंटेंट डालो, और जब 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे ना, आपके चैनल से रीयूज्ड कंटेंट 1 मिनट के अंदर हट जाएगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।